लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के खीर वाले बयान के बाद इस बार उन्होंने जो गिल्ली डंडा का एक बयान दिया है, और इस बार लगता है कि गिल्ली डंडा के आगे नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों फंस से गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें 2020 का कोई अनुभव नहीं है, हमने जीवन में कभी क्रिकेट नहीं खेला, हम लोग गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग हैं और गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग सिर्फ गिल्ली डंडा जानते हैं। उनका यह संदेश स्पष्ट है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सीट शेयरिंग का मामला है, उस सीट शेयरिंग में 2020 का जो फार्मूला था जिसमें 20 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और बाकी 20 सीटों पे नीतीश कुमार की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेंगे। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह दिया है, ये जता दिया है कि वो 20-20 का फार्मूला नहीं मानेंगे। और इसके 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने यह कहा था कि अगर हमारे साथ सम्मानजनक सीटें नहीं शेयर की जाती हैं तो ऐसी हालत में हमारे लिए अन्य दरवाजे खुले। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद जब नागमणि ने ये कहा तो साथ साथ यह भी जोड़ा था कि हम लोग सम्मान के लिए राजनीति करते हैं, हमारी जो संख्या है यानी कि कुशवाहा समाज की जो संख्या है वो 10% है और 2-3% वाले समाज के लोगों के लिए अगर स्वाभिमान और सम्मान की बात की जाएगी तो हम भी अपने सम्मान की बात करेंगे। यानी 2-3% का जो उनका मतलब था कि नीतीश कुमार की स्वजाति यानी कि कुर्मियों की जाति से उनका तात्पर्य था। तो एक तरफ ये बातें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो ये कह रहे हैं कि 20-20 का मतलब हमें समझ नहीं आता, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। क्रिकेट मैच का कोई मेरा अनुभव नहीं है, हमको कभी खेलने का मौका नहीं मिला। गांव में जब हम लोग पढ़ते थे, खेलने का जब समय था तो गुल्ली डंडा खेलते थे, तो गिल्ली डंडा वाला कोई 20 या 40 समझ में नहीं आता, हम लोग गिल्ली डंडा वाले लोग हैं। आज का दिन जो बिहार के सियासी हलचल मचाने वाला दिन इस मायने में रहा कि तीन नेताओं ने, जिसमें से एक एनडीए गठबंधन के सहयोगी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर हमला किया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव और हम के नेता जीतन राम मांझी ने डायरेक्ट हमला किया है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पे हमला करते हुए मांझी ने कहा है कि यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई है, कानून व्यवस्था इतना चरमरा गया है कि अब इस पर राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू किया जाना चाहिए। वहीं पे तेजस्वी यादव ने ये कहा कि नीतीश कुमार जी के तकिया कलाम जो बन गया है कि हम अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के राजनीति करते हैं, पहला, और दूसरा ये कि हम जीरो टॉलरेंस की राजनीति करते हैं करप्शन पे, यानी कि करप्शन पे और क्राइम पे हम किसी भी तरह की सबका समझौता नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने जो कहा वो आप देखें। आप सोचिए, अगर पनामा में लालू जी का नाम आता, हम लोगों का नाम आता, या विपक्षी दलों के कोई और नेताओं का नाम आता तो क्या क्या ये लोग कहते, क्या बात। वहीं पे तेजस्वी यादव ने आज जोरदार हमला बोला है नीतीश कुमार पे, और नीतीश कुमार पे हमला बोलते हुए उन्होंने उनकी अंतरात्मा की याद दिलाई है और कहा है कि कैसे नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है, जबकि बिहार में प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, लिंचिंग की घटनाएं होती हैं। कल तो मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर को AK-47 से छलनी कर दिया गया था। तो इस पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं ये सुनो। क्या मतलब चार बार आत्मा जो है आत्मा सोया और जा कौन सा अंतर है इनको? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम, इनको बिहार के विकास की चिंता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 300% क्राइम बढ़ गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार के मामले में ये कहा कि नीतीश जी की अंतरात्मा, अगर असली अंतरात्मा है तो उनको पनामा पेपर के मामले में
जो अभी भ्रष्टाचार के मामले में कई मुख्यमंत्रियों के नाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के बच्चों के नाम आए हैं, उनमें उनकी तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि आपके पास अगर अंतरात्मा है तो आप यह देखें कि आपकी पार्टी जो भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है तो उसमें आप कहाँ खड़े हैं। ये स्थिति है। अब फिर से हम उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान पे आते हैं जिसपे उन्होंने ये कहा कि हम गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब ये गिल्ली डंडा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कम्प्लीटली अपने ही गठबंधन के दो नेताओं पे निशाना साधा है, जिसमें से एक तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको ये इशारा में कह रहे हैं कि हम आपके 20-20 के फार्मूला को नहीं मानने वाले, और हम अगर आप उस फार्मूले पे कायम रहते हैं तो हम आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। ये बात हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं कही, लेकिन उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने एक दिन पहले स्पष्ट तौर पर कह दी, और इसी पे उपेंद्र कुशवाहा ने लगे हाथों क्राइम पे आ भरते हुए कहा कि हे भगवान बिहार को क्या हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हल्ला बोलते रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का यह मानना है कि नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आए हैं तब से पूरे गठबंधन को उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं लगातार कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, वो अपने कार्यकर्ताओं को संतोष दे रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, लेकिन जब वो नीतीश कुमार बात करने के लिए जाते हैं, दो दो दौर की इस पर औपचारिक रूप से बात हो चुकी है अमित शाह से, तो अमित शाह ने एक तरह से दोनों बार उनको टरका दिया है। इसलिए ये बात इसलिए कही जा सकती है कि अमित शाह और के बाद से बातचीत के बाद नीतीश कुमार ने ये कहा था कि बहुत जल्द तो चार सप्ताह के भीतर सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आ जाएगा, लेकिन दो महीने बीत गए। पिछले हफ्ते जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, तब भी उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसके फैसला आ जाएगा, लेकिन इसकी कोई प्रगति अभी तक नहीं थी। ऐसे समय में उपेंद्र कुशवाहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि उन्हें 2020 का खेल बिल्कुल नहीं आता और वो गुल्ली डंडा खेलने वाले हैं, तो ये समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रास्ता तय कर लिया है, सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या इशारा करती है, क्या उसे सम्मानजनक सीटें देती है कि नहीं। तो इस तरह आप हमारे साथ बने रहें, फिर हम लोग अगले दिन किसी नए मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए।